जिला में कांग्रेस को हराने में कांग्रेस के कमजोर रणनीतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस को सच्चे और परिश्रमी कार्यकर्ताओं से ज्यादा चुटकखोर लोगों की जरूरत है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग अर्की की मिट्टी से सिर्फ नाम के लिए ही जुड़े हैं, उन्हें अर्की कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज उठाने का मौका दे रही है, जबकि जो लोग 30 साल से अर्की कांग्रेस कमेटी के कार्य कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं अर्की कांग्रेस के कार्यकर्ता डीडी शर्मा जी इस विषय पर। और अभी हाल में मैंने ना जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा डमैर वार्ड 3 से, तो मैंने देखा कि पार्टी में जिस तरह का एक संगठन में एक एकता होती है, इस तरह का संगठन मैंने देखा नहीं। इसकी वजह ये रही कि जिला परिषद में हमारी अर्की में कांग्रेस पार्टी के चारों ब्लॉकों में सब तीनों चारों ब्लॉकों में कांग्रेस पार्टी हार गई। इसकी वजह ये रही कि कांग्रेस पार्टी में जो ग्राउंड स्तर पर एक रियलिटी है, उसमें ऐसे आदमियों को एक नेतृत्व संभाला गया है कि इसमें ना ऐसे आदमी को दिया जो दो दो बार बीजेपी ज्वाइन करके कांग्रेस पार्टी में इनको प्रदेश सचिव और उसको मुखिया बनाया गया। उनका जो तालमेल आम कार्यकर्ता से नहीं है, उसकी वजह से ये हुई कि जिला परिषद की हमारी जो चारों सीटें थी हार भी गई। वजह इसकी रही ये रही कि जिन उम्मीदवारों को जिन वार्डों से लड़ाना चाहिए था, उनको नहीं लड़ाकर अपने चेते और अपने नज़दीकियों को उनको तवज्जो दी गई, और वजह यही रही कि हमारी चारों सीटें हार गई। मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि दाड़ला वार्ड में एक गीता कौशल जी थी, जिसको कांग्रेस पार्टी के मतलब उस पर जाति समीकरण को बिठाकर उनको अगर वहाँ से टिकट दिया जाता तो उनको वहाँ से वो जीतती, लेकिन वहाँ उसको टिकट नहीं दिया गया और वो एट लास्ट बीजेपी ने उसको चोर लिया हमारे कैंडिडेट को, और वहाँ वो जीत उसको टिकट दिया और वहाँ से वो जीत गई। इसी तरह धुंधड़ वार्ड में भी एक जो 15 सालों से कैंडिडेट दिए जा रही थी वही जीत रही थी, क्योंकि बोला वहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था। इसके बारे बार बार जैनब चंदेल जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, उसने टिकट मांगी थी लेकिन उसने टिकट नहीं दिया गया, इनको अपने चेतों को टिकट देना था। फिर इन्होंने वहाँ उसे हट फिर के वह से निर्मला को टिकट दिया और चौथे नंबर पर रही। इसी तरह डमैर वार्ड में भी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया जो रहता दाड़ला में पिछले 15 सालों से, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की हिमाचल प्रदेश का पहला अर्की निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ हर 2 तारीख को मीटिंग होती है, लेकिन 2 तारीख की मीटिंग में वो कैंडिडेट नहीं आता था, वो पिछले 8 सालों से मीटिंग में नहीं आ रहा है, फिर भी उसी आदमी को टिकट दिया गया बार बार, क्योंकि 2-4 आदमी ऐसा चाह रहे थे कि डीडी शर्मा आगे जीत जाएगा, कहीं आने वाले समय में कहीं ज्यादा उम्मीदवारी कहीं एमएलए की दावेदारी नहीं जिता दे। लेकिन मुझे दुख की बात है कि इन लोगों ने फिर हटपीट को ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो दाड़ला में रहता है, और वही वजह रही कि 12 आदमी इस कैंडिडेट को जिताने के लिए लगे थे, फिर भी नहीं आ जीत पाया इनके, तो शर्म की बात हुई। इसी तरह कुनियार वार्ड की जिसमें 8 पंचायतें हमारी पड़ती है ममलिक वार्ड की, उसमें ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया, टिकट जो सपोर्ट किया गया कि जब हमारे कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के प्रधान वहां से 3 पंचायतों से जीते तो जिला परिषद में बीजेपी को क्यों जाती है वहां से लेट। मेरी एक सोचने का बात है कि इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये अपने भाइयों का चाचियों और भतीजों की तरफदारी करते, तो कांग्रेस पार्टी रियल में नहीं है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है, और प्रदेश लेवल में अपने अपने को दावा कर दिखा देते हैं। कांग्रेस पार्टी का साथ जो भी कांग्रेस पार्टी का यहाँ प्रमुख बनता है वो अपनी कांग्रेस खड़ी करता है। जब भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में बदले गए सबने अपनी अपनी कांग्रेस खड़ी करी। यही हाल कांग्रेस पार्टी का है कि जब भी कोई ब्लॉक अध्यक्ष जब नया अध्यक्ष बना तो नई कांग्रेस बनी, जब दूसरा अध्यक्ष बना तो दूसरी अध्यक्ष बनी, तो इसी तरह कांग्रेस अपना बिखर गई है और अर्की में कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा हाल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को अगर रियलिटी में आगे बढ़ाना है तो पुराने आदमियों को इकट्ठा करके, सभी आदमियों को, महिलाओं को, युवाओं को और सभी पुराने दिग्गजों को इकट्ठा करके एक समन्वय बनाना पड़ेगा कि ताकि ये कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सके। मैं देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कई अमरचंद पाल जी लग शिमला में रहते, लड़ते अर्की से इलेक्शन, रहते बनूटी में, संजय बस्ती में, रहता सोलन में, अर्की में राजनीति करता है। इसी तरह डॉक्टर मस्तराम जी रहते शिमला में अर्की से इलेक्शन लड़ते हैं, जैनब चंदेल जी शिमला में रहती है अर्की से इलेक्शन लड़ती है, निर्मला जी लड़ती है अर्की से इलेक्शन, रहती सोलन में। अरे कैसे चलेगी कांग्रेस पार्टी? मैं राज साहब को कई बार इसको पर्सनल बताया,
मैंने राज साहब को बताया और टीका जी को बताया, कुलदीप ठाकुर जी को बताया, सोलन जिला के पदाधिकारी को बताया कि ऐसे आदमियों को जो इलेक्शन लड़ना वो ग्राउंड रोड पर यहीं रहे, ऐसे नहीं कि महीने बाद दो तारीख की मीटिंग को इकट्ठे आ जाया करें और इलेक्शन लड़े। लेकिन ये लोग नहीं मानते और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का हाल हो रहा है। अब राज्य की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर NSY का पता नहीं, युवा कांग्रेस का पता नहीं, महिला कांग्रेस का कोई पता नहीं और संगठनों का तो आपको देखते अगर ऐसे संगठन मजबूत है राज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में तो जिला परिषद की चारों सीटें कैसे आ रही, तो ये एक बहुत शर्मनाक। आपको क्या लगता है कि इसी वजह से कांग्रेस क्या बोलते बैक स्टेप जा रही है, कांग्रेस पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है, हारी जा रही है हर जगह से कांग्रेस, तो यही रीजन है कि यस इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन ईमानदार आदमी को पास देना चाहिए, ऐसे चापलूसों को पास नहीं देना चाहिए कि जो आदमी बीजेपी से आया हो और कांग्रेस पार्टी को चला रहा हो, वो तो अपने भाई को लिए सपोर्ट कर रहे, वो कांग्रेस पार्टी का थोड़ी कर रहे सपोर्ट। वो अगर जिला परिषद में अपने भाई के लिए सपोर्ट करे और कांग्रेस पार्टी का ही नुमाइंदी बना हुआ है तो कैसे कांग्रेस पार्टी जाए? तो आपको क्या लगता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो प्रदीप सिंह राठौर है उन्हें क्या करना चाहिए? मेरा मानना है ईमानदार आदमी जो कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि वाले आदमी हो, जिसकी कांग्रेस पृष्ठभूमि जो पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हो उसकी छवि को देखा जाए, ऐसे आदमी को पार्टी प्रेसिडेंट ब्लॉक का जिम्मा सौंपा जाए ताकि वो कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित हो, ऐसा नहीं अपने भाई के लिए, अपने भतीजों के लिए या परिवारवाद या भाई भतीजावाद इस तरह के नहीं चलेगी कांग्रेस पार्टी। यही हाल पूरे प्रदेश में, ईमानदार छवि और स्पष्ट और निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ अगर कांग्रेस पार्टी का काम ऐसे लोगों को दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी का स्तर बढ़ जाएगा। कांग्रेस को पार्टी के हराने वाले नहीं है पर कांग्रेस पार्टी के अपने लोग अपने ये सब। क्या ये बात आप कुलदीप राठौर तक रख चुके हैं? हमने सारी बात जब मैंने जिला परिषद इलेक्शन लड़ा तो इसके बाद मैंने कुलदीप राठौर जी को बात बताई, जिला प्रधान को बताई, टिक्का जी को बताई, प्रदेश हमारे राज साहब को जो विधायक हमारे आदरणीय राज साहब अर्की से उनको तक भी बता दिया। लेकिन इतने अच्छे चापलू से अच्छी तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये वहाँ रहता है जी वहाँ रहता है, ऐसा करते है वैसा करते, ये चापलूसी उधर करते और अपनी पार्टी के अपने अपने नुमाइंदे चाहे तो कोई टिकट दिया और चारों सीटें हार दी। अब इनके पास आज की क्या जवाब है, इनके पास क्या जवाब है चारों सीटें, इनके पास क्या जवाब है इस बात कि चारों सीटें उन्होंने हारी है, इनके पास कोई जवाब नहीं इस बात। एक BDC बनाने से कोई, अब मैं पूछता हूँ अगर BDC अगर अर्की में बनी है BDC तो अगर बनी है तो उसका कोई बड़ा क्राइटेरिया अपने को लेने की कोई बड़ी जरूरत नहीं है। BDC जो चुने हुए आदमी है वो किसने 1% भी काम नहीं किया BDC के लिए, जो भी जीते अपनी विचारधारा से इंडिपेंडेंट अपने दम बलबूते पर जीते, अब उनको कैप्चर करके और वहाँ उनको जयपुर ले जाए चाहे चंडीगढ़ ले जाए और बाद में BDC बना दिया, इसको श्रेय लेने का मैंने समझता है इसको बड़ा बहुत बड़ा काम है। अब बड़ा बड़ा काम था जो जिला परिषद है लड़ना, अगर जिला परिषद में जीते तो मैं मानता भी इनका बहुत बड़ा काम हुआ। तो आज की डेट में एक और कांग्रेस पार्टी को अच्छे संगठन दिए, अपने गांव के लिए एक रोड निकाल दिया, उस रोड में अपने उन्होंने कुछ आदमियों ने अपने बेनिफिट के लिए वहाँ एक क्रेशन लगाने के लिए अपना बेनिफिट साथ देने के लिए पैसा दिया उसको और आज वो रोड निकला है, पैसा निकला है। और जब हम उसी प्रधान के जब इलेक्शन आए इन पंचायतों में तो वो आदमी उस प्रधान या अपनी कांग्रेस विचारधारा की पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, तीसरे आदमी को सपोर्ट कर रहे, किसी अपने रिश्तेदार के द्वारा उस आदमी को सपोर्ट दे रहे जो BJP का प्रधान था, उसको सपोर्ट दे क्योंकि उसको पैसे दिया उन्होंने वहाँ क्रैश लगाना था। तो ये कांग्रेस पार्टी की काम है, कांग्रेस पार्टी की सोच है कि BJP के आदमी को पैसा दो और अपना स्वच्छ से दो, वो अपना काम थोड़ी अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का काम नहीं कर रहे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैं 30 सालों से पार्टी का कर रहा हूँ, मेरे को 1 रुपया तक दिया गया है। अगर राजसाहब से मैं पूछूं, मैंने 3 बार उनको बुलाया कि मेरे गांव में एक ब्राह्मण समुदाय का बहुत बड़ा गांव है, 5-4 गांव लगते हैं, मैंने कहा 30 लाख रुपए दो वहां भी यहां पूछते गए, मैंने पंचायत इलेक्शन भी खत्म हो गए आज से 3 साल पहले लगा था, आज तक मुझे 1 पैसा भी मेरे नाम से नहीं मिला कि डीडी तेरे को मैं पैसा ये देता हूं। क्या मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं? इस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी का रिजाइन दे दिया, अपनी सदस्यता छोड़ दी कांग्रेस पार्टी। अगर 30 साल बाद भी मुझे अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि मैं कांग्रेस पार्टी के लायक नहीं हूं तो मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, भले ही मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी इस्तीफा, पर मैंने छोड़ दी कांग्रेस पार्टी कि मेरे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत नहीं कांग्रेस पार्टी को, ऐसे चोर ठगों की जरूरत है जो रहते बीजेपी रहते कांग्रेस में और करते BJP के लिए काम, तो मुझे नहीं ऐसे काम करते, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। भाई अपना इंडिपेंडेंट है, जो भी करेंगे जनसेवा पर ईमानदारी से करेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो हमारे से गलत दिखेगा और गलत बोलेंगे, जो सही होगा उसको सही करेंगे। थैंक यू।